इस खबर के एजुकेशन पार्टनर हैं वेल फाउंडेड हायर सेकेंडरी स्कूल, किला गेट रोड, ग्वालियर। ग्वालियर में पुलिस द्वारा नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बीच ग्वालियर पुलिस को सूचना मिली कि मुरार इलाके में कपल द्वारा स्मैक सप्लाई का काम किया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर एक महिला और उसके साथ एक साथी को पुलिस ने बाइक से दबोचा है। आरोपी बड़ागांव पुल के पास स्मैक सप्लाई के लिए आए हुए थे, लेकिन आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब होते उससे पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। पूछताछ में पता चला कि आरोपी मैनपुरी से इसमें एक लेकर आते थे। पकड़ी गई 100 ग्राम स्मैक की कीमत 10 लाख के करीब आंकी गई है। पुलिस ने महिला और उसके साथ आए युवक के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। मुरार थाना क्षेत्र में हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक कपल है जो स्मैक का इस तरीके से लाने ले जाने का काम करता है और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। तो हमने एक टीम बना के उसमें उनको पकड़ने के लिए हमने एक प्लान बनाया था। तो बड़ा गांव का जो पुल है वहाँ पे हमें एक औरत और एक आदमी को हमने जब मुखबिर की सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा था। वो अपने आप को देवर भाभी की तरह प्रटेंड करते थे ताकि पुलिस से जब पीछे महिला बैठी हुई है तो उनको कोई रोके नहीं। तो इस तरीके जब उनकी हमने सर्चिंग की, तलाशी ली, तो उनके पास से 100 ग्राम स्मैक हमें बरामद हुई थी और 3 मोबाइल, एक मोटरसाइकिल जो इस अपराध में उन यूज ले रहे थे वो मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये सारा मामला था। ये स्मैक बाइक से लेके मैनपुरी से लेके आते थे। आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि उसका सोर्स क्या है और यहाँ पर किसको आगे वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कीमत कितनी थी सर उसकी? बाजार में 100 ग्राम स्मैक की कीमत लगभग 10 लाख के आसपास इसकी कीमत है। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।